नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज भरोस की तरह कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम पैनलिस्ट मौजूद हैं। जानेंगे अब क्या होगा, जो नए मुद्दे आज के निकल के आए हैं उससे देश की राजनीतिक सियासत पे क्या असर होगा और क्या कुछ उसका आप लोगों के जीवन पर भी क्या असर होगा, क्या कुछ उन खबरों का असर होगा। देखते हैं क्या कुछ खास एजेंडे। निर्भया के बलात्कारी के बयान से मचा सियासी बवाल, संसद में सरकार को देनी पड़ी सफाई। गृह मंत्री बोले यूपीए की रात में मिली थी इंटरव्यू की इजाजत। और आंदोलन पार्टी और सरकार का सुख लेने वाली केजरीवाल सेना को विरोधी सुर नहीं आया रास। पुराने साथी योगेंद्र यादव को किया पीएससी से बाहर, प्रवक्ता पद भी छीना। तो आज के एजेंडे में दो खास मुद्दे हैं। एक मुद्दा जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, जिसमें कि आपको बता दें कि योगेंद्र यादव के साथ साथ प्रशांत भूषण को भी निकाल दिया गया है पीएससी से और प्रवक्ता पद से, और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के संयोजक पद से जो उन्होंने इस्तीफा दिया था उसको नामंजूर कर दिया गया। लेकिन पहला मुद्दा जो आज का एजेंडा है वो है निर्भया के बयान, निर्भया पर जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है उसको लेकर के जिस तरीके से संसद में हंगामा देखने को मिला, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों पर हंगामा रहा, राजनाथ सिंह को इस पर सफाई देनी पड़ी और ये कहा गया है कि इस मुद्दे पर अब जो है आगे आने वाले समय में इसका प्रसारण जो है फिलहाल रोक दिया गया है। मंगलवार को ही कोर्ट ने इस बारे में फैसला सुना दिया है, इस बारे में निर्णय दे दिया है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने वो आपको सुनाते हैं। आइए पहले वो सुनते हैं। चलिए आपको पहले रूबरू करा देते हैं कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिलीप के सिंह मौजूद है, हमारे साथ है ग्रुप एडिटर जैन टीवी और वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ शिल्पी अरोड़ा जी मौजूद हैं नेता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ पुष्पेन कुलशेष जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ संजय थापा जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार। पहला सवाल आपसे ही दिलीप जी मैं जानना चाहूंगा, जिस तरीके से इस मामले को लेकर के हंगामा मचा, क्या इसको लेकर के लोगों को पता नहीं था कि ये चीज इतनी बड़ी हो सकती है? हालांकि जो परमिशन दी गई थी वो रिसर्च के लिए दी गई थी, जो अब चीजें सामने आ रही है, लेकिन इसको जिस तरीके से प्रमोशन के तौर पर प्रोमो के तौर पर एक निजी चैनल ने चलाया और तो उसकी बातें जो इस तरीके से सामने आई, बाद में इंटरवीन करना पड़ा, कैसे देख रहे हैं इस पूरी गतिविधि को आप? देखिए, एक तो रिसर्च जब आप करने जाते हैं तो पूरा ब्रॉडकास्ट इक्विपमेंट लेके रिसर्च नहीं होता है अमूमन, ये आप रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते हैं, ये सबको पता था कि रिकॉर्डिंग जब कैमरा पे उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है तो सबको पता होगा, ये जेल अथॉरिटीज को पता होगा, सिक्योरिटीज को भी पता होगा। सवाल ये नहीं है, सवाल है संवेदनहीनता कहाँ तक है, किस हद तक है, और जो सत्ता में बैठे हैं भारत में वो किस पार्टी के हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, किसकी सरकार थी मैं उस पर भी नहीं जा रहा हूँ। ऐसे मामले, इस तरह का जो निर्भया का जो केस था उसने हर हिंदुस्तानी को झकझोरा किसी न किसी के रूप में, और ये तमाम लोग जो सत्ता में बैठे थे, शासन में बैठे थे, प्रशासन में बैठे थे, मंत्री थे, संतरी थे, उन सबको पता था, उनको पता था कि ये जो रेपिस्ट है, बलात्कारी है, इसको किस हद तक इन तमाम चीजों से संवेदनाओं से जुड़ी हुई है, कितना संवेदनशील है हमारे देश में। तो मुझे लगता है कि इनके जो कई पहलू हैं उसमें से सबसे तो एक जो मुझे चीजें दिखती हैं कि इनसेंसिटिवनेस, कंप्लीटली असंवेदनशील रहे ये तमाम अधिकारी जिन्होंने ये परमिशन दिए, जिन्होंने ये सारा चीज रिकॉर्ड करवाया। जाहिर है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे रिसर्च या ब्रॉडकास्ट या किसी भी पर्पस से हो उसका इस्तेमाल कर। जो उससे भी बड़ी बात है जो मुझे लगता है कि जिस चैनल को ये शर्त के साथ, रिसर्च के साथ जिसको दिया गया, मुझे आज भारत सरकार से ज्यादा उस मीडिया संगठन जिसने इसने किया है, शायद या तो वो पहले भी भारतीय संवेदनाओं को नहीं समझते थे, बीबीसी के और इस तरह के जो तमाम चैनल है, विदेशी चैनल है, उनकी विदेशी मान सकता हूँ, उसके प्रोमो तो घरेलू चैनल पे दिखाए गए, घरेलू चैनल एक पक्ष है उसका, लेकिन जो चैनल इन तमाम चीजों को जिस बनाया, उन चैनल की सोच आप देखिए, उसकी सोच क्या है, क्या आप मार्टिन लूथर की, या क्या नोबेल किसी जो प्राइज विजेता है उनका, किसका इंटरव्यू आप दिखा रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं? ऐसी मानसिकता मुझे लगता है कि क्या कोई अनपढ़ जाहिल आदमी है जो इस संगठन को चलाता है, जिनको मानसिकता, जिनको समझ नहीं है, मेरा पहला वहां पे। दूसरा, जो भारतीय चैनल जो दावे करते हैं कि आप दिखाने का हक है आपको, लेकिन आप क्या दिखा रहे हैं और उससे क्या असर होता है, दैट इज व्हाट
यानी कोई भी जो एडिटोरियल का आदमी कोई भी बैठता है, चाहे वो संपादक हो या कोई रिपोर्टर हो, कोई जो भी न्यूज रूम में होता है, चैनल में होता है, न्यूज पेपर्स में होता है, उनको ये कॉल लेना होता है कि व्हाट इज एप्रोप्रिएट, क्या दिखाना है। तो क्या ये तमाम लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि इससे मैसेज क्या जा रहा है, आप मैसेज क्या भेज रहे हैं? आप दावा कर सकते नहीं, नहीं हमारी तो मंशा ये नहीं थी, लेकिन इससे मैसेज क्या गया और मैसेज क्या जा रहा है, अगर इस पे भी आप सोच नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है सरकार एक्शन ले सकती है, सरकार एक्शन ले ले। लेकिन मुझे उन लोगों पे जो लोग पत्रकारिता के बड़े ऐसे कर्णधार बने हुए हैं आज इस देश में, जो कहते हैं कि हम पत्रकारिता के तमाम मापदंड मानदंड पे हम खड़े उतरते हैं, उनकी जब ऐसी स्थिति हो सकती है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप किस हद तक चीजों को आज असंवेदनशीलता के हो गए, चीजों को लेकर। चलिए इस बीच जरा वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद बाकी पैनल्स के पास जाते हैं। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वो इस पूरे मामले को लेकर के काफी ज्यादा उन्हें खेद पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, क्या कुछ उन्होंने कहा, और कुछ सांसदों की भी हम आपको प्रतिक्रिया उसके बाद आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से चाहे वो जया बच्चन हो, जावेद अख्तर हो, बाकी नेताओं ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनाएंगे। पहले राजनाथ सिंह, कल जो ही इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हर्ट हुआ था और तुरंत इस संबंध में जो कंसर्न अथॉरिटी है उनसे सीधे बात की थी और आवश्यक हमने इंस्ट्रक्शन दिए थे। और मैंने कहा किसी भी सूरत में यह टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए और कल ही रात को कोर्ट में जाकर वहां से आदेश प्राप्त किया गया, यह अब जो कुछ भी टेलीकास्ट किया गया है इसे रिलीज नहीं किया जाए। जितना और इतना ही नहीं, मुझे इस बात पर भी आश्चर्य मुझे यह भी आश्चर्य है उपसभापति महोदय कि किन परिस्थितियों में यह आदेश दिया गया। मैंने यह कहा है कि इसकी मैं पूरी जानकारी चाहूंगा और जो भी अब तक का प्रोसीजर रहा है इस प्रकार के आदेश देने का, जरूरत पड़ी तो उसको मैं रिव्यू करूंगा और इस प्रकार से भविष्य में किसी को जेल में जाकर और इस प्रकार की रेपिस्ट का टेलीकास्ट करने की इजाजत किसी भी सूरत में भविष्य में नहीं दी जाएगी, यह मैं इंश्योर करूंगा। भविष्य में किसी भी बलात्कारी का इंटरव्यू उस तरीके से टेलीकास्ट ना हो, इस बात को इंश्योर किया जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, तमाम चीजों की जांच की जाएगी, ये कहना है गृहमंत्री का। लेकिन इस दौरान क्या कुछ जो बाकी सांसद थे राज्यसभा के, वो क्या कह रहे थे, आइए जरा जया बच्चन का बयान आपको सुनाते हैं। आपको बता दें उस समय की भी तस्वीरें हमको याद है जब निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद रोती हुई उनकी तस्वीरें आई थी और वो राज्यसभा में फपक फपक कर रो पड़ी थी। अब आज उन्होंने क्या कहा है वो सुनिए। But I want to know, 3 saal ho gaye, what justice are you going to give to the memory of this woman who suffered and her family? I don't want any more assurances. 3 saal tak main is vishay pe baat nahi ki, magar aaj baat hu. Aap please bataiye, aap immediate action kya lenge aur kab tak lenge? Anyatha you are asking for a very big trouble. और आप देश को ये तो बताइए कि आप सेफ्टी ऑफ विमेन की जो बात कर रहे हैं, जो विमेन की डिग्निटी को जो जिस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर तुरंत इसी वक्त आप क्या कार्रवाई करेंगे। चलिए इस बीच जावेद अख्तर साहब ने क्या कुछ कहा इसको लेकर के, हालांकि उन्होंने कहा कि टेलीकास्ट करने में दिक्कत क्या है, क्या कुछ कहा उन्होंने जरा सुनिए। गुस्सा इस बात पे है कि उस आदमी ने इतनी गलत बातें क्यों की, गुस्सा इस बात पे है कि ये दुनिया को क्यों बताया जा रहा है कि ये रेपिस्ट कैसी गंदी बातें कर रहा है। इस तरह की बातें तो मैं इस हाउस में सुन चुका हूँ सर, कि एक औरत अगर इस तरह के कपड़े पहनेगी, एक औरत अगर रात को सड़क पे इस तरह घूमेगी, तो वो इन्वाइट कर रही है खबर। अच्छा हुआ कि ये डॉक्यूमेंट्री बनी, इसलिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मालूम हुआ कि वो रेपिस्ट की तरह सोचते हैं।
घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से संवेदनहीनता दिखाई गई है और इस पूरे बयान को जो बलात्कारी था उसके बयान को टुकड़ों में रिलीज भी किया गया, तमाम सोशल साइट्स पे उसके बयान अब सुनने को मिल रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि जो उसका पूरा प्रसारण था वो रोक दिया गया है। लेकिन बात यह कि आखिर में ये जो प्रोमो के माध्यम से भी चीजें गई वो आखिर में क्यों गई, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैमुना मुल्ला जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उपाध्यक्ष हैं दिल्ली यूनिट टडवा की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्शद जी आपसे जानना चाहेंगे, ये काफी गंभीर मुद्दा है, बात किसी सरकार का नहीं, किस सरकार ने फैसला किया था उस समय, किस कौन सी सरकार अब रोक रही है। सवाल ये है कि इतनी संवेदनहीनता इसको लेकर के क्या आपको लगता है ये आवश्यकता आ गई है कि कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के कुछ इस तरह की गाइडलाइन बनाई जाए ताकि मीडिया भी सतर्क रहे इस तरह की चीजों को लेकर? ये बहुत बड़ी ना सिर्फ संवेदनहीनता है, मैं बोलूंगी कि एक पूरी कमी नजर आती है करंट गवर्नमेंट में। निर्भया एक महिला का या एक रेप का मुद्दा नहीं था, ये एक मुद्दा था जिससे पूरे देश में एक कहते हैं जागृति पैदा हुई, एक अवेयरनेस आई और एक जो कहते हैं कि महिला के कानून में भी बदलाव करना पड़ा। इतना बड़ा मुद्दा था, गांव गांव सड़क सड़क एक जगह पर लोग कैंडल मार्च किए, लोग आगे आए आगे बढ़े और एक विमेन के प्रति क्या कानून बनने चाहिए, क्या सेंसिटिव होनी चाहिए, सुरक्षा का मुद्दा ना सिर्फ देश में पूरे वर्ल्ड से वो मैसेज गया था। इस मुद्दे पर राजनाथ जी कह रहे हैं देखेंगे सोचेंगे कमेटी गठन करेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को क्लैरिफाई, ये बात जो कह रहे हैं इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था, ब्रॉडकास्ट रुकवाने से कुछ नहीं होगा, डिजिटल मीडिया में हर जगह वो चीजें आ रही हैं, बीबीसी पे कैसे रोकेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है और इस तरीके की घटना हुई क्यों, उनको इस चीजों का पहले से संज्ञान लेना चाहिए था, इसको सोचना चाहिए था कि इस पे क्या करना है और इस तरीके की इनसेंसिटिव जो चीजें दिखाकर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि रेपिस्ट की क्या मानसिकता है और लोगों को भी क्या इस तरीके का सोचना चाहिए और इसकी बात क्या करें। आप उन्हीं के यहाँ देख लीजिए साध्वी जी बच्चों पे बातें कर रही हैं कि चार बच्चे पैदा करिए आठ बच्चे पैदा, नहीं बात ये नहीं है, मीडिया में भी मीडिया में कहीं ना कहीं एक सेंसरशिप की जरूरत है। आप इसको जो सबसे पहले तो जिन्होंने इसकी अनुमति 25 जुलाई 2013 को दी वो कौन व्यक्ति थे, मैं तो कह रही हूँ जो भी थे, तो आज की सरकार क्या करेगी और कौन सा टेलीविजन जो है वो अपना प्रोग्राम बताता है। अगर किसी भी पार्टी के थे उन्होंने कोई अनुमति दी रिसर्च के लिए अनुमति दी, लेकिन ब्रॉडकास्ट अब हो रहा है वो ब्रॉडकास्ट अब नहीं हुआ था। बता दें टेलीविजन के प्रोग्राम वाले रात में अपना टेप भेजते हैं सरकार के पास, हम ये एयर कर रहे हैं। पुष्पन मेरा ये कहना है कि जिस व्यक्ति ने जेल के अधिकारी, गृह मंत्रालय के मंत्री, आईएनबी के मंत्री, ये तमाम लोगों की आप संवेदनहीनता दी, क्या इन्हें पता नहीं था ये किसके ऊपर रिसर्च करने के लिए रिकॉर्ड करने के लिए जा रहे हैं? आप ये जो चीजें लेके गए पूरा आप ये करके आए हैं तो मुझे जाहिर है मुझे, मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि राजनाथ सिंह इनको जेल में उठा के बंद कर दे इमीडिएटली गृह मंत्री के रूप में, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस के लोग क्या सत्ता में बैठने के बाद या वो किसी भी पार्टी के, तो वो तीन व्यक्ति दो व्यक्ति जो मंत्री थे जो अधिकारी थे, क्या ये इतने असंवेदनशील हो सकते हैं क्या, ये सवाल है। और उसके बाद आज जब हम कर रहे हैं बात तो ये जो हमारे हिंदुस्तान के चैनल है उनको भी बैन होने चाहिए, बिल्कुल बैन हो जाने चाहिए, गृह मंत्री ये तो कर सकते हैं, ये एक्शन तो कर ही सकते हैं कि उन चैनल्स को बैन कर दे। चलिए यहाँ पर नहीं दिखाया जाएगा, हालांकि प्रोमो आ गए, लेकिन सवाल ये भी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको ना दिखाया जाए इसको आप कैसे इंश्योर कर पाएंगे, अगर वहाँ की सरकार या वो ऑर्गेनाइजेशन मना करती है तो आपके पास ऐसा कोई वो नहीं है, आपके पास ताकत नहीं है कि आप किसी दूसरे देश के चैनल को ये बोल दें कि आप अपने देश में क्या कंटेंट चलाएंगे या क्या नहीं चलाएंगे। मैं तो ऐड करना चाहूंगी, व्हाट्सएप से पूरा सर्कुलेट हो जाता है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप से अब तक सारी जगह सर्कुलेट हो चुका है, कहाँ कहाँ रोकेंगे और कैसे रोकेंगे। विपुल, बीबीसी के इस दिल्ली ऑफिस में मैंने भी 3 साल काम किया है और यहाँ एक परंपरा है कि हिंदुस्तान के टेलीविजन में कोई भी सोर्सेस से कोई खबर आ जाती है, ब्रेकिंग खबर आ जाती है, बीबीसी में कभी ब्रेकिंग खबर का कंसेप्ट नहीं है और ना ही सोर्सेस से किसी खबर को चलाने का कंसेप्ट है। जब तक उनके पास विधिवत जो है उस सरकार के मंत्रालय से या उस पुलिस डिपार्टमेंट से उनकी जो प्रेस विज्ञप्ति होती है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बीबीसी के मापदंडों को लेकर के हमेशा मिसाल दी जाती है कि साहब बीबीसी के मापदंड बड़े उच्च हैं और वो तमाम चीजों को बनाए रखते हैं, बीबीसी के लोग
अगर तिहाड़ जेल के मैनुअल के अनुसार किसी केस स्टडी की बात करके, किसी रिसर्च की बात करके वो इंटरव्यू लेते हैं और फिर वो उसको डॉक्यूमेंट्री बना करके उसको उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये सबसे बड़ा अनएथिकल है, चोरी है, करप्शन है, एक बात। दूसरी बात ये है कि एक स्टोरी बन गई, किसके जमाने में परमिशन दी गई। मुझे जहां तक याद है उस जमाने एक महिला थी, उनका नाम था विमला मेहरा, और वो शायद दिल्ली पुलिस की कमिश्नर बनना चाहती थी, नहीं बनाया गया, बाद में वो जेलर बनी। उस वक्त की ये घटना है और गृह मंत्री भारत के हुआ करते थे शिंदे साहब, और जहां तक मुझे याद है कि ये घटना भी जो है दिसंबर की घटना है जब ये निर्भया का कांड हुआ था, 2012 की शायद बात है, और 2013 में आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ले रहे हैं। उस वक्त ये पूरे देश में छाया हुआ था, कई सालों तक चला ये मामला, उसके बावजूद भी उस सेंसिटिविटी में, ऐसा नहीं था कि लोग भूल गए हों, क्योंकि 10-20 साल हो गए, लोग भूल गए चले गए। एक तरफ तो ये हुआ कि आपने मैनुअल के साथ जो भी कुछ कहा परमिशन किसी काम के लिए की गई विदिन सिक्स मंथ, वो मैं कह रहा हूँ कि 6 महीने जब इस देश के अंदर लोग भूले नहीं थे हरों की आंख, उस दरमियान ये दिया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो वहाँ की जो जेलर थी जिनकी परमिशन के बगैर वहाँ कोई जा नहीं सकता है, अगर कोई मैनुअल में लिखा था तो ये चेक होना चाहिए था कि ये इतने सारे कैमरे लेकर के आदमी रिसर्च स्टडी करता, आप बातचीत करते, रिकॉर्ड करके उसका इंटरव्यू और उसकी मानसिकता से पूरे देश में ये बताना कि एक रेपिस्ट क्या सोचता है, रेप क्यों करता है, तो भाई वो कोई इंटेलेक्चुअल है, साइकोलॉजी का भावा टीचर है। मेरा दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं कि हम तमाम सारे लोग बीबीसी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि बीबीसी अपने मुल्क में चलाएगा तो भारत के पास क्या संवैधानिक, क्या लीगल उसके पास रेमेडी है रोक सके, लेकिन इस देश में एक चैनल ये क्लेम करता है कि उसने पत्रकारिता के बड़े मापदंड बड़े तय किए हैं, और उसी चैनल के कुछ लोग जो हैं इस देश में करप्ट प्रैक्टिस के पकड़े गए हैं, उनपे राडिया टेप के तहत उनपे इंक्वायरियां हो रही हैं, वो उनके साथ में बहुत सारे लोग हैं जेल चले गए, लेकिन अपनी उस मीडिया हाउस का उस मीडिया के इस्तेमाल करके उसमें से ऐसे भी लोग हैं जो भारत के प्रधानमंत्री के मीडिया एडवाइजर भी रहे हैं, वो चैनल ये गलती करे और वो चैनल उसके एक्सर्ट्स को दिखाए, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जिस पेरोल पे आप थे, जिस चैनल जिसके पेरोल पे था, अगर आपकी टीआरपी खत्म हो रही थी, आपको लग रहा था कि चैनल के बुरे दिन आ गए, तो आप इससे ज्यादा अच्छा होता कि कोई पोर्नो मूवी दिखा देते और आपकी टीआरपी बढ़ जाती। सवाल यह है कि आपने हिंदुस्तान के जिस चैनल ने दिखाया है उसके खिलाफ किस नियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, पहले घर के चोर को पकड़े, विदेश में जाके क्या होगा उस पर बात की बात हो सकती है, एक साथ दो क्राइम है। बाकी इसके पास जाऊं से एक बीच में एक सवाल करना चाहूँ की बार बार ये बातें आ रही है सामने, रिसर्च के लिए परमिशन दे गई थी। सवाल ये है कि जो आपने बीबीसी के मानकों की बात की, क्या आपको लगता है कि ये अनएथिकल, मैंने वही मानक क्या है कि बीबीसी जैसा चैनल तो बीबीसी के अंदर ये चीजें पड़ी, क्या ये रिसर्च वाली बात जो है पूरी तरीके से सही है, या परमिशन पहले से दी गई है, इशू नहीं है जो सब्जेक्ट होता है दैट इज मेंट फॉर इंटरनल कंजम्पशन, ना कि आप उसको पब्लिकली ब्रॉडकास्ट करें। उसका रिसर्च का मतलब केस स्टडी होना चाहिए, इस पे तथ्य निकाले आप और इसको आप एक इनपुट दीजिए। संजय क्या होता है जब भी आप भी इस तरह के लोग जब जाते हैं कि आप जेल में आपको कोई इंटरव्यू करना है या कुछ करना है, तो आप एक उसमें आपको बता दिया जाता है, इसका मैं जानता हूं इस बात को, कि आपको अंदर में जाके इंटरव्यू लेने की इजाजत नहीं हो, जेल मैनुअल आपको अलाउ नहीं करते जी, जी। आप उसको रिसर्च के तौर पे आपको परमिशन मिल सकता है, ये प्रोविजंस होते हैं। और जो लोग कैमरा लेके पूरे तामझाम जो ब्रॉडकास्ट के होते हैं जब लेके गए होंगे, तो ये तो खुला अंदर गया, खुलम खुला है, तो ये तो इसमें साठ गांठ के साथ ये चीजें हुई है। ये सवाल लॉ का नहीं है, ये सवाल प्रोविजन का नहीं है, ये नियम कायदे कानून के नहीं है। आप नियम कायदे कानून को तोड़ मरोड़ के कैसे अपने पूरे मकसद में कामयाब होते हैं, और ये कुछ चैनल जिनको अपने जिन चैनल की कोई बिसात हिंदुस्तान में अब नहीं, कोई देखने वाले नहीं रह गए हैं, जिन चैनल की न सिर्फ रेटिंग बल्कि उनकी क्रेडिबिलिटी भी जीरो है, ये कहीं ना कहीं से अपने आप को सुर्खियों के लिए ही है, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर कोई महिला संपादक हो वहां पे और जितनी महिलाएं थी वहां पे काम करती है, तो वो कम से कम इस बात को कम कहती कि ये आप क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की संवेदनशीलता है आपकी, वहां से भी कोई पत्रकार जितनी महिला पत्रकार वहां काम करती है वहां से कोई आवाज नहीं आया। तो ये खेल दिलीप जी सिर्फ टीआरपी के लिए किया गया है, टीआरपी के लिए महिलाओं को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये भद्दी पिक्चर दिखाकर, ये मैसेज देकर और एक रेपिस्ट को हीरो बनाकर क्या दिखाना चाह रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम घटा है,
जिस तरीके से संवेदनशीलता जो है इस पूरे मामले में दिखाई गई, आप कैसे देख रहे हैं इसको? माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा देर से आई हूँ, आपका जो डिबेट चल रहा है उसको मैं, पता नहीं आपको लगेगा मैं डिरेल कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसमें कुछ जो खास मुद्दे नजर आते हैं, जहाँ तक देखिए डॉक्यूमेंट्री का सवाल है, मैं उस पे टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगी कि नंबर एक मैंने देखी नहीं है, और नंबर दो डॉक्यूमेंट्री किस हद तक सही है गलत है, आगे जाना चाहिए दिखाई जानी चाहिए या नहीं दिखाई जानी चाहिए, वो हमारा सेंसर बोर्ड है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी है, वो लोग देखेंगे इसलिए, और क्योंकि हम जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको भी रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं उस पर उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहूंगी। लेकिन मुझे जो इस और जहाँ तक रेपिस्ट का सवाल है, उसने जो बोला रेपिस्ट औरतों के बारे में जो राय रखता है या उसने रेप किया, उसकी घिनौनी सोच है इसीलिए उसने रेप किया, ये तो मैं हम सभी समझते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा घिनौनी बात जो हुई है हमारी नजर में, वो हुई है कि जो डिफेंस लॉयर्स ने जिस तरह के बयान दिए हैं, एमएल शर्मा ने और एपी सिंह ने, कि औरत जो है वो उसको सेक्स की नजर से ही देखा जाता है, औरत जो है अगर मेरी बेटी ने ऐसा किया होता तो मैं उसको लेकर जाता और मार डालता, मतलब इन लोगों में और खाप पंचायतों में फर्क क्या है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा, और इसीलिए आज हम एडवा की तरफ से पुलिस कमिश्नर से भी मिलने गए थे, पुलिस कमिश्नर साहब मिले नहीं तो हम स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके पास गए, मिस्टर दीपक कुमार, और हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि इन दोनों डिफेंस लॉयर्स के खिलाफ जो इतनी, मतलब वो एक तरह से इंसाइट कर रहे हैं रेप के लिए, एक जिस तरह की बातें उन्होंने की कि अगर औरत इस तरह निकलेगी किसी लड़के के साथ निकलेगी जो उसका रिश्तेदार नहीं है, मतलब उसके साथ रेप को वो एक तरह से जायज बता रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज होना चाहिए, और दीपक मिश्रा साहब ने हमें अश्योर किया है कि जितनी जल्दी हो वो इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही, इस पर मैं सबकी टिप्पणी भी चाहूंगा, आराम से आपके पास में, लेकिन उससे पहले दिलीप जी एक बात जो आज जावेद अख्तर साहब ने भी कही थी, मैं उस पे और संजय कुछ कह रहे थे और मैम भी ये कह रही है, मैं जवाब देना चाहूंगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके की संवेदनहीनता, निश्चित रूप से यहाँ पे तो बहुत बड़ी चूक हुई है, लेकिन चाहे वो संसद हो चाहे बाहर हो या फिर बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग जिस तरह के इनसेंसिटिव बयान दे रहे हैं इस समय, ऐसे में अगर इस तरह की, हालांकि ये होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है पहले इन लोगों के ऊपर भी कोई सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो समाज के बड़े ठेकेदार हैं या फिर बहुत ऊंचे पदों पर बैठे लोग जब इस तरह के बयान देते हैं, उनसे भी तो मैसेज गलत जा रहा है ना? मैसेज बिल्कुल वही, देखिए मैंने पहले ही कहा कि जो लोग कहां बैठे हैं, आप देखिए एक सेटिंग एन एग्जांपल, जो कौन सी यूपीए की सरकार में 16 दिसंबर का ये कांड है 12 का और 13-25 जुलाई को ये परमिशन देता है, आप 6 महीने के अंतराल पे ये परमिशन देते हैं, और उसके बावजूद कि जब आपने इस तरह के जो लोगों में रोष था गुस्सा था, किस तरह से लोग आए थे ये भी सबको पता है, झकझोर दिया गया था जिस तरह की पूरी घटना थी, और उसके बाद ये परमिशन दिए गए वहां से लेके, और अब तक जिस तरह के अटपटे कई बयान आ रहे हैं जिसके बारे में वो कह रही है मैडम, ये अटपटे बयान ही तो दर्शाते हैं कि आज भी हमारे समाज में औरतों के खिलाफ किस तरह के का माइंडसेट है, और आप एंड ऑफ द डे जो मीडिया का काम है वो कि मैसेज आप क्या दे रहे हैं, दिलीप मैसेज जो है यहाँ पे क्या जा रहा है, मैसेज जा क्या रहा है, अगर आप पूरे चाहे जो जिन चैनल ने इसको बनाया है और जिन चैनल ने चलाया है, मैं तो कहता हूँ कि क्या कोई सोच समझ के क्या आप इस चीज को समझाना, जो मैसेज मुझे नहीं पता उनका उनकी मानसिकता क्या है, मुझे नहीं पता है वो किस सोच के साथ इसको आगे बढ़ाना चाह रहे थे, मुझे नहीं पता है आज उन चैनल के अगर नुमाइंदे हों तो वो बेहतर बता सकते हैं कि आखिर उन्होंने बनाया क्यों और उन्होंने चलाया क्यों। बिल्कुल, इसमें एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारी कलीग है उन्होंने एक पॉइंट ऐसा उठाया जिसपे शायद हम लोगों की नजर नहीं गई थी, देखिए रेपिस्ट ने क्या कहा है वो तो रेपिस्ट
है और उस पर सजा भी हो चुकी है। तो बहुत सारे लोग जो यकायक जिनको आज मैंने पार्लियामेंट में देखा कि सख्त कानून और कार्रवाई, अरे भाई उस पर कार्रवाई होम मिनिस्टर क्या करेगा, वो जेल में है, उस पर जज कानून में बात कर रहे हैं। हम उस रेपिस्ट के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसकी मानसिकता क्या है, वो जेल में है, उस पर सजा चल रही है। हम इस पे बात कर रहे हैं उसको परमिशन किसने दी नहीं दी, इस पे बात हो गई। हम इस पे बात कर रहे हैं कि उसको चलाया क्यों। लेकिन मैडम को मैं जो है इस बात के लिए थैंक्स करता हूं कि उन्होंने एक तीसरा एंगल भी दिया है। जो दो लोग जिंदा हैं जिन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, उन्होंने ये कह के क्राइम आज किया है कि वो लोग ये करते, उनकी बेटी करती तो मैं उसको मार देता, उनका जो लड़की ऐसे कपड़े पहनेगी वो रेप को इनवाइट करेगी। वो दोनों इस देश के वकील हैं और टेलीविजन पे कई बार इंटरव्यू में अपनी भावनाएं प्रकट कर चुके हैं। उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हुई है और दिल्ली बार एसोसिएशन जो है उन्होंने उनका लाइसेंस क्यों नहीं फ्रीज किया है। ये तो हो सकता है ना, इसके लिए तो कोई नया कानून की जरूरत नहीं है। आप बीबीसी का इंटरव्यू रुकवाएंगे वो रुकवाइए, लेकिन ये दोनों लोग दिल्ली के अंदर इस मानसिकता से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या ये जब सड़क पे चलते होंगे तो किसी औरत को, किसी लड़की को, किसी बहन बेटी को उसी निगाह से नहीं देखते होंगे जिसकी पैरोकारी ये कर रहे हैं। तो इन पे एफआईआर भी दर्ज हो और साथ साथ इनका लाइसेंस जब्त होना चाहिए। तो ये मैसेज तो जाए कि सरकार में जो समाज में खुले हुए बड़े बड़े काले कोट और सफेद कोट और धोती और कुर्ते में लोग जो घूम रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, कम से कम इनको तो पकड़िए भाई, ये तो खुले हुए भेड़िए। आप जो अंदर हैं, जो जेल में हैं, उन पे जो सजा होगी जज करेगा वो बात की बात है, वो एक प्रोसेस है, उसमें राजनाथ सिंह कुछ नहीं कर सकते। तो ये तीसरा एंगल है, इस तीसरे एंगल पे मैं समझता हूँ कि तो कम से कम इमीडिएट राजनाथ सिंह को, भारत के गृह मंत्री को कार्रवाई करनी चाहिए, करनी चाहिए। सिर्फ आप कुछ करना चाहिए। मैं यही कह रही हूँ कि निर्भया का रेप एक बार नहीं हुआ है, हजारों बार रेप हो रहा है। जो इस तरीके के वकील, इस तरीके के पॉलिटिशियंस, इस तरह के जो मीडिया इस तरीके कर रहे हैं उसका रेप हजारों बार किया जा रहा है, बार बार। इसको रोकने की जरूरत है, कानूनों में पहले भी बदलाव हुए हैं और मैं बिल्कुल सहमत हूँ पुष्पेन जी से कि इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। जो कि अभी अमेंडमेंट हुआ है इसको भी अश्लील कमेंट के उसमें गिनना चाहिए। जो महिलाओं के कपड़ों पे बात कर रहे हैं, महिलाओं की लिपस्टिक्स पे बात कर रहे हैं, महिला कैसे अपने आप को कंडक्ट करें इसके ऊपर डायरेक्शन दे रहे हैं, इनके ऊपर एफआईआर करके इमीडिएट अरेस्ट कर लेना चाहिए। यही वो सरकार है अब जो एक बहुमत से आई है, पूरे देश ने उनको चुना है और कह के आए हैं बहुत हुआ नारी पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार एक डिफरेंस की बात कर रहे हैं। पूरे देश की एक उम्मीद है कि एक बहुमत से आए हैं वो इस तरीके के सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे मीडिया चैनल पे जो टीआरपी रेटिंग के नाम पर महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, रेपिस्ट का व्यू दिखा रहे हैं जस्ट बिकॉज उनकी टीआरपी बने और इन द नेम ऑफ कि हम कुछ अलग दिखाना चाह रहे हैं, तुरंत एक्शन होना चाहिए और कम से कम एक साल के लिए उसकी ब्रॉडकास्ट इंडिया में और सब जगह पर बंद कर देनी चाहिए और वेब पे भी प्रतिबंध लगने की जरूरत है। इसको किस वेब वेब पास जो है सोशल मीडिया में भी इसको रोकने की जरूरत है। देखिए जैसे इस देश में दो तरीके के मुखौटों में लोग जीते हैं, टेलीविजन के ऊपर बड़ी बात करते हैं, टेलीविजन के पीछे अलग बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखें कि जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन है वो हिंदुस्तान में हर किसी मामले के ऊपर सबसे पहले बोलती है। पिछले 24 घंटे से एनके सिंह साहब जो अध्यक्ष हैं इसके, उनका कोई बयान नहीं आया। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि हम ये बार बार कहते हैं बहसियत पत्रकार कि देखिए साहब सरकार जो है वो हमारी आजादी का गला घोटना चाहती है, लेकिन आज हम सरकार से ये बात कह रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इस देश में 200 से 40 के ऊपर कोई बड़े बड़े चैनल हैं, हजारों पत्रकार हैं, बड़े सम्मानित पत्रकार हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कई पत्रकार रेप के केस में बंद भी हैं। मेरा कहना यह है कि आज उन लोगों ने इसके खिलाफ क्यों नहीं मुजाहरा किया। आज एक्स टीवी है, कल वाई टीवी होगा, कल एक्स अखबार है, कल वाई अखबार होगा। पत्रकार बिरादरी जो है वो ये चाहती है कि एक चैनल के ऊपर सरकार जो है कोई बैन लगाए और फिर उसके बाद में इस देश में कुछ दिन बाद हंगामा होगा और कुछ मॉरलिस्ट बाहर आ जाएंगे कि देखिए साहब ये तो सरकार जो है प्रेस की आजादी का गला घोटना चाहती है। तो प्रेस को अपने अंदर से आवाज उठानी चाहिए और उन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए जो इस देश के अंदर पत्रकारिता की आड़ में सरकार की दलाली करते हैं, सरकार के मंत्री बनवाते हैं, सरकार को पैसा पहुंचवाते हैं और वो लोग आज भी समाज में बड़े बड़े प्रोग्राम जो है कूद कूद के पाकिस्तान में भी, कूद कूद के कश्मीर में भी और दिल्ली में भी सुबह शाम करते हैं। उनकी बातों में तो बड़ा लड़कियों को लेकर के दम होता है लेकिन वो मैनेजिंग एडिटर की हैसियत में अपने यहाँ होते हैं और महिला होने के बाद भी उनकी आवाज नहीं खुलती कि ये प्रोग्राम क्यों जा रहा है। महमूना मुल्ला साहब, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ इस बहस में। क्या कुछ कदम ऐसे होने चाहिए जो मानसिकता एक है, एक एक, एक, एक निश्चित रूप से एक छोटा वर्ग ही या एक वर्ग है जो पुरुषों में जिनकी जो मानसिकता इस तरह की है, जो इस तरह के बयान आते हैं,
क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की मानसिकता को जो है अपने समाज से हटाया जा सके, क्योंकि इस तरह के निश्चित रूप से जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी के भी शिकार होते हैं। मानसिक बीमारी के अलावा ये मानसिकता जो है ये है हमारे देश में, और ये जो मैं अभी डिफेंस लॉयर्स की बात कर रही थी जिन्होंने इस तरह की घिनौनी बातें करी हैं, ये उसी मानसिकता को दर्शाता है। और मुझे लगता है इसके खिलाफ लड़ाई शुरू होना चाहिए जब जब बच्चा पैदा होने से पहले ही शुरू होना चाहिए। हम आज क्या करते हैं, सन प्रेफरेंस इतना बढ़ चुका है कि हम बच्ची को खत्म करते हैं। ये चीज वहां से शुरू होनी चाहिए, हम बच्ची और बच्चे में फर्क करते हैं, उनकी सेहत का ख्याल रखने में, उनकी स्कूलिंग में हम फर्क करते हैं, वहां से शुरू होना चाहिए। हम एजुकेशन में फर्क लाना चाहिए, हमें बचपन से ये चीज सिखानी चाहिए कि लड़की और लड़का बराबर है, ये चीज वहां से शुरू होना चाहिए। ये चीज हमने एक तरह से बैन तो लगा दिया सेक्स डिटर्मिनेशन पर, एक फॉर्म भरवाना पड़ता है जब भी आप अल्ट्रासाउंड कराने जाएं, लेकिन क्या वाकई ये सब कुछ बंद हुआ? ये इस तरह बंद नहीं होगा। शुरू हमें अपनी एजुकेशन बच्चों से शुरू करना है और अपने कानून इस तरह बनाने हैं। ठीक है, जस्टिस वर्मा ने रेकमेंडेशंस दिए और सेक्सुअल वायलेंस के जो कानून हैं उनमें काफी हद तक बदलाव आया, लेकिन हमें उससे भी आगे बढ़कर सोचने की जरूरत है। जहां तक रेप का सवाल है, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि आपने एक रेपिस्ट को उठा के एक FIR दर्ज किया और बंद कर दिया, लेकिन आपको अपना शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ बॉयज को एजुकेट करने की जरूरत है, यहाँ महिलाओं से ज्यादा लड़कों को एजुकेट करने की जरूरत है कि लड़कियों को कैसे ट्रीट करना है। आप बाहर घर से निकल रहे हो, महिलाओं का सम्मान की उनको डे वन से एजुकेट करने की जरूरत है कि महिलाओं को कैसे ट्रीट करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया में रेप और छेड़छाड़ को क्राइम ही नहीं माना जाता। पुलिस स्टेशन में भी लड़की जाती है तो बोलते हैं छेड़ा ही तो है, रेप तो नहीं किया। वहीं से वो शुरुआत होती है उस मानसिकता की कि वो आज छेड़छाड़ कर रहा है कल को रेप करेगा और आगे आकर समाज में इस तरीके के केसेस होंगे। मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको, मजेदार बात क्या है, आप देखिए सबसे जो इंटरेस्टिंग भी है और सबसे जो कठिन है जिस चीज से डील करना। आप कहते हैं ज्यादातर लोग या कम लोग इस मानसिकता के अनपढ़ है, मानसिक रूप से बीमार है। आप देखिए जो लोग सत्ता में सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने परमिशन दिया, जिन्होंने इस चीज को बनाया, जिन्होंने इस चीज को टेलीकास्ट किया, उनके बारे में जरा सोचिए हिंदुस्तान में। आपको आपको दिखेगा कि भारत सरकार के मंत्री से लेकर नीचे संतरी तक और भारत के मीडिया में बड़े मीडिया आप इस चीज को, मैं कह रहा हूँ सिर्फ इसको अगर आप सोचे एक पल के लिए कि कौन अधिकारी, आप देखिए परमिशन कहाँ से मिलता है, कौन मंत्री, किस तरह के लोग होते हैं जो मंत्री बनते हैं, मीडिया में जो लोग इसको बनाए और जिन्होंने टेलीकास्ट किया, जिन्होंने प्रोमो बनाया, क्या उनके जो प्रोमो बनाने वाले मीडिया के जो थिंकर्स थे जिन्होंने सोचा कि इसको अपने चैनल पे मुझे प्रमोट, आप जरा सोचिए इनकी मानसिकता और सोच, क्या इनको एक पल के लिए ख्याल नहीं आया? मुझे दुख इस बात से नहीं है, मुझे हैरत इस बात से है कि ये लोग जिन्होंने इस प्रमो को बना करके बेचने के अलावा कि क्या उन्होंने कुछ सोचा कि इससे मैसेज क्या जा रहा है? और ये वो लोग क्या उस मंत्री प्रबुद्ध लोगों में गिने जाते हैं? आज सुशील कुमार सिंधे वहाँ पे मीडिया रिपोर्टर को माइक छीन रहे या डांट रहे हैं, मुझे गृह मंत्री के रूप में उन्होंने उनको कितना पता था कितना नहीं पता था, मैं सिर्फ ये देखना कि सत्ता में जो लोग बैठे ये वो लोग नहीं है जो सड़क पे ये खुले तौर पे या आम जिनका भाषण आप सुनेंगे मीडिया में जो लेक्चर देते हैं, जो हम आज बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो आप इसको देखिए सिर्फ जिन्होंने इसको बनाया और दिखाया, जिसने परमिशन दिया है बनाने के लिए, वो तो बड़े रिसर्च, आप तो देखिए ये रिसर्च करने वाले लोग हैं, हाईली एजुकेटेड, ये रिसर्च करने वाले लोग हैं, ये ब्रॉडकास्ट करने वाले लोग हैं, ये परमिशन देने वाले लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो सफर करते हैं। तो सफर करने के पीछे आप सिर्फ आज ये जो स्थिति है इसके पीछे आपको क्लैरिटी आ जाएगी जैसे ही आप देखेंगे इस पूरे चीज को समझते हुए
कि जिसने इस डॉक्यूमेंट्री को प्लान किया, जिसने रिसर्च के नाम पे यह सारा काम किया, जिसने परमिशन दिया, जिसने इसको ब्रॉडकास्ट के लाइक बनाया, जिसने इसको प्रमोट किया, जिसने इसको हिंदुस्तान के राइट्स लिए, सोचिए इनकी मानसिकता क्या है। इसे कमर्शियल वेंचर महत्वपूर्ण सवाल है। इसी बात पे एक ब्रेक ले रहे हैं, तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं बात सही है कि जब भी इस तरह की बहस होती है तब बात कही जाती है, लोग अनपढ़ हैं, शिक्षित करने की आवश्यकता है। लेकिन जब देश के जो देश के सबसे प्रबुद्ध लोगों में गिने जा रहे हैं, लोग गिने जाते हैं, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो मीडिया हो, वकील हो, यहाँ पर उनकी सोच को क्या हुआ है जो लोग बाकियों की सोच की बात करते हैं? बहुत बड़ा सवाल है, आप भी इस पर सोचिए। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर बचे हुए भगवान। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात करेंगे आम आदमी पार्टी के अंदर मचे हुए बवाल की। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, जिस पर पिछले कई दिनों से बवाल चल रहा था। अब ये सब खबरें आ रही थी, योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण को हटाया जा सकता है, और वही हुआ जिसके लिए अटकलें लगाई जा रही थी। योगेंद्र यादव को पीएससी की मेंबरशिप से हटाया गया, उनको हटाया गया प्रवक्ता के पद से, और साथ ही साथ प्रशांत भूषण को भी हटा दिया गया है इन दोनों महत्वपूर्ण पदों से। और इस बीच जो बयान आ रहे हैं, प्रशांत भूषण ने कहा है कि कोई भी आधिकारिक रूप से मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि अब मैं प्रवक्ता नहीं हूं, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी मैं करता रहूंगा, ये कहना है योगेंद्र यादव का। लेकिन क्या आगे आने वाले समय में अब योगेंद्र यादव की भूमिका बदलेगी, और जो कुछ हो रहा है आखिर में क्यों हो रहा है? इस बीच अरविंद केजरीवाल ने संयोजक पद से इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा भी कार्यकारिणी ने नामंजूर कर दिया है। तो ये अपने आप में स्थिति बनी हुई है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ शिल्पी अरोज जी है, नेता कांग्रेस पार्टी की, पुष्पेन कुलशेष जी है वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ संजय थापा जी है वरिष्ठ पत्रकार, दिलीप के सिंह हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप राइटर जैन टीवी के, और साथ ही साथ हमारे साथ बनी हुई उपाध्यक्ष दिलीप जी। दिलीप जी, पहला सवाल आपसे, अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरीके से स्प्लिट देखने को मिल रहा है, चाहे वो साजिया इलमी से शुरू हुआ मामला, अब जो संस्थापक बने हुए थे योगेंद्र यादव प्रशांत भूषण, किस तरफ जा रही है पार्टी? देखिए, जब पार्टी बनती है और सियासी पार्टी और वो भी सत्ता में और सरकार उनकी बनी हो, इस तरह के मैंडेट मिला हो, तो मुझे लगता था कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है भारत में, और वो स्वभाव है भारत के सत्ता और सियासत में, सियासी दलों में हाई कमांड कल्चर जो है यहाँ के सियासी दलों के पूरे कूट कूट के भरा हुआ है। और ये पार्टी तो वैसे भी इस पार्टी का निर्माण इस बुनियाद में अगर देखेंगे, इन्होंने जो जनता की उम्मीदों की पार्टी, उनके गुस्से उनके रोष की पार्टी, एक आंदोलन था, उस आंदोलन को एक तरह से हाईजैक करके हत्या करके, उस आंदोलन की हत्या के बाद इन्होंने अपनी सियासत चमकाया, उस सियासत चमकाने के बाद ये सत्ता तक दो बार पहुंचे। और इस सत्ता के नशा में जो कुछ हो रहा है वो मुझे बहुत स्वाभाविक लगता है। इसमें कुछ भी नया नहीं है जो भारतीय सियासत में अन्य सियासी दलों में नहीं होता है। तो इसलिए जैसे ही सत्ता और सियासत में है, ये चीजें स्वाभाविक थी। अरविंद केजरीवाल आज सत्ता के केंद्र में हाई कमांड है, उनके इर्द गिर्द जो उनके पार्टी के लोग हैं, उनके उनको लगता है कि एक यहाँ पर बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे पहले जब आंदोलन हुआ था, बड़ा आंदोलन, वो था जेपी का आंदोलन, और उससे भी बहुत सारी, उसमें पहले एक पार्टी बनी और उसके बाद से कई सारे सियासी दल निकले। क्या योगेंद्र यादव भी अपना एक नया दल बनाएंगे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ही हरियाणा चुनाव को लड़ने को लेकर, अरविंद केजरीवाल की वजह से आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ी। पुष्पेंद्र जी, आपसे देखिए भविष्य क्या देख रहे हैं? दिलीप ने जो बात कही है मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। हम अक्सर अब तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में से जब भी किसी को पद से हटा दिया जाता था और उसे पार्टी में रहना होता था, वो 24 अकबर रोड और 10 अशोक रोड के बाहर निकल के कहता था, मैं पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं और पार्टी जो मुझे काम देगी वो मैं करूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि 40 साल बीजेपी को और 60-65 साल कांग्रेस को इस स्थिति में पहुंचने में हुआ कि वहां जब भी कोई हाई कमांड का मामला होता है वो निकाल दिया जाता है तो कोई हाई कमांड के लिए दंडवत हो जाता है। लेकिन इस पार्टी ने जो इस पूरी व्यवस्था राजनीति को बदलने आई थी, इस हाई कमांड को बदलने आई थी, इसको हटा दिया, उसको हटा दिया, ये गुट जात पात इलाकाइयत अच्छे बुरे करप्शन,
आप ये देखें कि ये दो लोग कौन थे। ये दो वो लोग हैं जो लगातार आप पार्टी के बारे में अंदरूनी तौर पे और बाहर भी तनकीद कर रहे हैं। आपको याद होगा प्रशांत भूषण ने कहा था कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं आप पार्टी में, उसमें कुछ लोग क्रिमिनल भी हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसमें कुछ लोग करप्ट भी हैं और इन लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए। लेकिन इस वक्त पार्टी इलेक्शन मोड में है। मैं हर बाद में बात करूंगा। योगेंद्र यादव महत्वाकांक्षी हुए, आपको याद होगा पिछली बार वो हरियाणा चले गए थे और उनको भी पता था कि वो हरियाणा के सीएम प्रोजेक्ट हो गए थे और उनको लगता था कि एक बड़ा अच्छा मौका था कि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में उनको फायदा हो सकता था। लेकिन केजरीवाल ने जिस तरीके से उनको रोका वो भी उनके मन में टीस थी। मुझे लगता है कि राजनीति में जब आप आते हैं तो धीरे धीरे राजनीतिक कल्चर भी आपके ऊपर आने लगता है और आपकी महत्वाकांक्षाएं भी कुछ प्राप्त करने के लिए होती हैं। अगर ये तमाम सारे लोग राजनीति को में आकर के राजनीति बदलने वाले थे तो जो आज कुछ हो रहा है, जो कल कुछ हुआ, जो परसों कुछ हुआ, अगर यही सब हो रहा था तो फिर राजनीति में आने की जरूरत नहीं थी। तो मेरा कहना है कि सिलसिलेवार तरीके से अन्ना गए, विनोद बिन्नी गए, अब शाजिया गए, कभी कुमार विश्वास चुप हो गए, कभी एक गुट हो गया, कभी तीसरा गुट हो गया, तो ये पार्टी तो 2 साल के अंदर इतने तपे तपाए अभी ताजा ताजा आंदोलन से निकलने के बाद इतनी जल्दी महत्वाकांक्षाएं इतनी चली गई है कि लोगों ने पार्टी को ताक पे रख दिया है। और उन तमाम लोगों को जो भी क्रिटिसाइज करेगा वो बाहर हो जाएगा। ये वैसे ही है कि सोनिया गांधी को जो क्रिटिसाइज करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, जो मोदी को क्रिटिसाइज करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, जो नीतीश को क्रिटिसाइज करेगा वो पार्टी का रास्ता दिखा दिया जाएगा, जो लालू हो मुलायम हो, तो ये उसमें एक ऐड हो रहा है। तो ये इस देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है, लोगों की आकांक्षाओं के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि जब लोग इस बात को देखेंगे तो लगेगा कि अब इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। ये मायूसी जो है इस पार्टी ने जो आंदोलन से निकली थी लोगों को दी है। एक और चीज है पुष्पेंद्र जी, केजरीवाल एक शातिर सियासी सियासतदान है, ये भी समझ में आता है। अंदाज में वो सियासत करते हैं। आज उन्होंने जो दांव खेले जिसको आप कहते हैं पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स की जो जिस चरम जो सत्ता का जो एक नशा, सत्ता का जो एक सत्ता की जो पूरी सोच होती है कि पॉलिटिकल अपने अपोनेंट को कैसे आप खत्म करें, जी, जी, उसका भी डिस्प्ले है। केजरीवाल ने अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर दिया। यानी अब इसमें भी यही होगा ना, अब वो संपूर्ण रूप से उन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में यह सुनिश्चित कर दिया कि आई एम द बॉस, मैं हाई कमांड, मुझे पॉलिटिक्स आती है और मैं पॉलिटिक्स कर सकता हूँ। दिलीप, इसमें एक और चीज खास है कि इस्तीफा दिया उन्होंने, जैसे सोनिया गांधी इस्तीफा देती है हर बार हार के बाद, जैसे अमित शाह इस्तीफा दे देते हैं अपना, ये इस्तीफा दिया और पार्टी ने कहा नहीं, आपका इस्तीफा नहीं, हमसे गलती हुई है। वही कल्चर है, ये 2 साल में वही पहुंचे। वही देखिए क्या होता है कि जब भारत में आज के दिन में या आप नेता एक है बाकी उनके सब दरबारी चमचे, तो चमचा की जो सियासत, चमचागिरी जो सियासत में भारत देश के तमाम दलों में है और कोई दल उससे छोटा नहीं है, जो नहीं जो आप आज जो दल 2 साल पहले एक अभी जो सरकार बनी, यहाँ पे ये दिखा दिया गया कि लोकतांत्रिक मूल्य या डिसेंस या आप अगर कोई चुनौती या किस तरह सवाल उठाएंगे तो यू आर नॉट वेलकम हियर, यू आर आउट, गेट आउट। एंड ही हैज सेड कि अब कौन रहेंगे, जो अरविंद केजरीवाल की जय बोलेंगे, जो अरविंद केजरीवाल को यस बोलेंगे, he wants a yes man, yes not man. a challenger, मैं, not मैं, a leader, मैं not a democracy, लोकतंत्र की किसी सियासी दल में मैं ये बोलना चाह रहा था कि आम आदमी पार्टी में बहुत पहले से ये आंतरिक कलह चल रही थी और ये जो डेमोक्रेसी नहीं है ये सब लोग बोले थे, लेकिन किसी के आवाज को दबा दिया गया है। केजरीवाल साहब ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया और ये उसका रिजल्ट है कि आज जो है दो लोग पार्टी से निष्कासित हो गए, तो जो उनके हाँ में हाँ मिलाएंगे वो बने रहेंगे। तो ये डेमोक्रेसी तो है नहीं आम आदमी पार्टी में, तो ये केजरीवाल राज चल रहा है और आपने देखा होगा जब से डेमोक्रेसी हो नहीं सकती है ये सुनिश्चित कर रहे हो जी। जो भारत का जो चरित्र है राजनीतिक दलों का, जो विकल्प की बात कर रहे थे, वो देश में पैदा नहीं हो सकता है और अरविंद केजरीवाल ऐसे किसी भी नए विकल्प को पनपने नहीं देंगे। उन्होंने पहले आंदोलन की हत्या करके पार्टी बनाई, उस पार्टी में लोकतंत्र की हत्या करके अपने चमचों की फौज जो है उसको खड़ा की। अब वो गोविंद चार जैसे थे बीजेपी में जो आइडियोलॉग कहते हैं,
अब गोविंद चार देखिए कहाँ पे है, वो आंदोलन कर रहे हैं, योगेंद्र यादव भी शायद आंदोलन करते हुए नजर आएंगे और केजरीवाल सत्ता में नजर आते रहेंगे। क्या ऐसी स्थिति बन सकती है, मैं शिल्पी जी के पास जाऊंगा लेकिन आपसे मैं वही सवाल लेना चाहूंगा, जिस तरीके से लालू नीतीश ये तमाम लोग जो अलग हुए थे अलग अलग पार्टियों के नेता बने, क्या योगेंद्र यादव भी इस तरह की विकल्प की तलाश करेंगे, क्या वो खुद को सेल्फ एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे हरियाणा या बाकी ऐसे राज्यों में जहां उनकी उन्होंने अपनी पहचान बनाने की कोशिश की थी, जहां उन्होंने मेहनत की थी? देखिए मैं पहले तो कहूंगी इस समय जब ये अन्ना जी का आंदोलन हुआ तो पूरे देश में आप देखिए मूड क्या है, कहीं ना कहीं युवा वर्ग में एक पॉलिटिकल सिस्टम से विश्वास खत्म हो गया था, वो लोग चाह रहे थे कि सब जना ये भी नहीं हो रहा ये भी नहीं हो रहा, एक फ्रस्ट्रेशन जिसको कहते हैं वो सबके दिमागों में थी कि शायद हमारी पॉलिटिकल पार्टी ठीक से काम नहीं कर पा रही है और जो जमीनी हकीकत है वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं। इसीलिए दिल्ली में उनको एक बहुमत से 67 सीटें मिली, बहुत बड़ी हिस्टोरिकल जिसको कहते हैं ऐतिहासिक जीत के साथ उनको लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने कमिटमेंट करी, जो इंटरनल प्रजातंत्र की बात कर रहे थे और जो जो भी उन्होंने चुनावी वादे किए हैं ये कितने पूरे कर पाएंगे ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, और अभी तो उनको आए को एक महीना भी नहीं हुआ, अभी आगे वाले महीनों में वो क्या कर पाते हैं उसपे वर्जन चेंज होने शुरू। आप देखिए वो खुद बैठक में नहीं आते हैं, बैठक में और उनके जितने वो चमचे हैं उस पार्टी के रेजिग्नेशन देते हैं दिखाने के लिए, रेजिग्नेशन करने वाले कतावर जो चिंतक करने वाले चिंतन करने वाले लोग हैं उसको बाहर का रास्ता दिखाते हैं। दिलीप जी वाईफाई के क्लेम की बात कर रही हूँ, ग्रेटर कैलाश 2 में और जगह पे पोस्टर लेके लोग खड़े होते थे फ्री वाईफाई के लिए वोट दीजिए, उसके बाद बात हो गई इसमें सोशल मीडिया नहीं चलेगा, उसमें बात हो गई ये बिल्कुल फ्री नहीं है, इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट चलेगी, किस तरीके की दावेदारी में कितनी ये स्थिति तो शायद कांग्रेस पार्टी में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं हो सकती है कि वहाँ के अध्यक्ष ना रहे उसके चीफ ना रहे और उनके चमचे जो है ये सुनिश्चित करें इन एब्सेंसिया सुनिश्चित किया जाए कि केजरीवाल आप देखिए ये असलियत धीरे धीरे खुलेगी और खुल रही है। अभी अभी एक घटना छोटी सी बात है वोट दिया है उसको सिर्फ रेफरेंस में ला रहा हूँ, अभी कल कांग्रेस पार्टी ने अपने 5 जो है राज्यों के अध्यक्ष बनाए हैं, पांचों अध्यक्ष को देखिएगा पांचों की जमानतें जब्त हुई हैं और जमानत जब्त होने वाले अध्यक्ष बने हैं और जिनकी जमानत जब्त नहीं हुई है वो कहीं नहीं है, इसलिए कि वहां भी अपना ग्रुप सेट होना चाहिए चाहे जमानत ही जब्त हो। तो मेरा कहना यह है कि ये नहीं पुष्पेंद्र जी यहां मैं आपसे सहमत नहीं हूं, नहीं ये बात गलत है, एक युवा टीम को प्रमोट किया गया था, क्या चाहती हैं? अरे किरण बेदी हार गई, अरे किरण बेदी को आप कांग्रेस से जोड़ने लगी, किरण बेदी आप किरण बेदी हैं क्या? किरण बेदी हार गई कांग्रेस में नहीं है, एक युवा वर्ग को बढ़ाया गया है जोड़ा गया है, आज हम आम आदमी पार्टी पे बात कर रहे हैं योगेंद्र यादव पे बात कर रहे हैं, आप कांग्रेस पे कमेंट क्यों कर रहे हैं? अबे कांग्रेस पे अगर आपने आपने कांग्रेस पे डिबेट कर रहे हैं कांग्रेस की आपको बुरा लग रहा है? हमारी पार्टी हमारी को खुशी हुई होगी कि दिल्ली में ये पार्टी जो अभी हाल फिलहाल में ही जिसको बनाई गई उस पार्टी का ये कांग्रेस देखिए अभी तो देखते चाहिए, अभी तो कांग्रेस नहीं हुआ राजनीतिकरण हो गया है। चलिए ममनू साहब कुछ कहना चाह रही हैं जी, मैं पक्का आपका ये उसके बाद एक छोटा सवाल करना है, इन सारे विवादों में नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा कॉमेंट पास करना चाहती हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी यूथ और आम लोग, दिल्ली के आम लोग जो रिसेटलमेंट कॉलोनीज में रहते हैं, जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उन सब के फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने चैनलाइज किया और पिछली बार वो कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी के रहते सत्ता में आए। एक्सक्यूज मी लेट मी फिनिश प्लीज, लालचियों के शहर में एक लाइन बोल रहा हूं, लेट मी फिनिश प्लीज, बता देता हूं एक लाइन, लालचियों के शहर में ठग कभी भूखा नहीं मरता। एक्सक्यूज मी लेट मी फिनिश प्लीज, पिछली बार कांग्रेस के एंटी इनकम्बेंसी के रहते वो उन्होंने जनता का वोट हासिल किया, वो भी नेगेटिव वोट था, और इस बार जिस तरह से बीजेपी सत्ता चला रही थी और मोदी के इतने महीनों के बाद भी लोगों को कुछ नहीं मिला, उस चीज को टैप करके नेगेटिव वोट लेकर के आए, बहुत स्पेक्टेकुलर विक्ट्री है 67 सीटें लेकर। एक मिनट, लेकिन जो मेन बात मैं कहना चाहती हूँ, आज इस वाद विवाद से जो असर होगा
लोगों में पॉलिटिक्स के लिए एक सिनिसिज्म पैदा होगा जो कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है। राजनीतिक व्यवस्था पर एक बार फिर से अविश्वास पैदा हो सकता है। वही मैंने कहा आंदोलन की हत्या इसी आधार पर मैंने कहा कि जब भी अब लोग सोचेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन की बात करने के लिए आए थे जिस अच्छाई जिस सोच को लेकर लोगों ने समर्थन दिया उन्हें उदास उन्हें निराश बहुत शुक्रिया शिल्पी जी आपका पुष्पिन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ बात ये कि आखिर में ये जो तमाम जो प्रक्रिया बनाई जाती है किसी भी पार्टी में हो चार दिन पहले से सारी खबरें सारे मीडिया चैनल में चल रही होती है उसके बावजूद भी चार तारीख को फैसला होगा वो बीजेपी में हो या कांग्रेस में या तो इंटरनल सबके अंदर व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि उस दिन का लोग इंतजार करें। ये अपने आप में एक सवाल है जिस पर डिस्कस करना चाहता था लेकिन समय नहीं है फिलहाल के लिए घटनाचक्र में इतना ही।